सहजादपुरा पंचायत के द्वारा आने वाला नीम खेड़ा तिगड्डा पे जहां करीब 400 लोग बसे हैं जो पिछले 14-15 सालों से यहां रह रहे हैं और आज तक इन्हें बिजली का कोई भी साधन नहीं ऐसा मिल पाया है, क्योंकि इनके पास इस ज़मीन का ना तो कोई नाम है और ना ही इस गांव इस ज़मीन को किसी गांव का नाम दिया गया है। और अटल ज्योति अभियान के द्वारा चलने वाली योजना जिसमें हर घर में उजाला हो ऐसा प्रावधान होने के बाद भी इस बस्ती नीमन तिगड्डा के लोग आज भी पिछले 15 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अभी आप लोग कैसे उजियारा करते हैं? डिब्बी लेते हैं, 2 लीटर तेल मिलते हैं महीना भर में और 15 दिन जलती है, महीना भर हम तेल नहीं होते हैं। तो आप लोग फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? बत्ती के उजियारे करते हैं और वही उजियारे में रोटी बनाते हैं। बिजली की समस्या तो है ही, आदिवासियों के भी कम से कम 30-40 मकान हैं, हम भी तो 4 साल से दे रहे हैं, बगल में पावर हाउस है फिर भी लाइट नहीं है। तब आपने इसके लिए कोई कोशिश की? कोशिश तो करी थी हमने कम से कम 1-1.5 साल पहले, उस समय पे पद पे शायद ठाकरे साहब आते और ये जो इस साइड के बीट मेंबर हैं वर्मा साहब वो भी थे उस समय पे। हमने शिकायत करी, सभी बातें करी, लेकिन उनने हमें बता दी कि तुम अपने स्थाई ले आओ, जहाँ तुम रह रहे हो कोई कागज ले आओ, परिचय पत्र ले आओ, हमारे पास नहीं है तेरे स्थाई। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना का मतलब, लाइट होना चाहिए तेरे पे, तो चारी तरफ ही अंधेर है, सब बगल में पीछे पावर हाउस है, होते उजेला है, बाकी सब अंधेरे में है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जमीन पे रहते हुए इस गांव को एक नाम मिले और जमीन पे रहने के साथ साथ शासन से चल रही योजनाओं का इन लोगों को लाभ मिले। जो ब्लॉक बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश के बिजली के अधिकारी हैं महेंद्र राय जी, जिनका फ़ोन नंबर है 94-25-61-38-10। मैं आरती वाल्मीकि नीमखेड़ा तिगड्डा से सहजादपुरा पंचायत ब्लॉक बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।